Question number first. What should be the answer for this question? Answer of this question: chloramphenicol and tetracycline are broad spectrum antibiotics which inhibit the growing by targeting what? क्या करेगा protein synthesis? Question easy है, difficult है? सीधा सीधा answer होगा जी B. क्या होगा answer? Answer B होगा, ठीक है? चलो बढ़िया जी. नेक्स्ट क्वेश्चन जरा से बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन, 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज्ड इन प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम स्पॉयलर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कौन यूज करेंगे, माइक्रोवेव यूज करते हैं या रेडियोवेव करते हैं, कौन सा यूज करेंगे? मोस्टली अगर मैं बात करता हूं तो मोस्टली आयोनाइजिंग यूज करते हैं, ज्यादातर जो रेज होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइजिंग रेज होते हैं. इट्स इजी क्वेश्चन, बताया गया आयोनाइजिंग रेज यूज करते हैं जनरली आपके किस लिए, स्पॉयलर्स से बचाने के लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूँ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द माइक्रोब मेकअप अबाउट अर्थ लिविंग मटेरियल बाय वेट. ये कैसा क्वेश्चन है जो कि पहली बार पूछा गया था, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस एक दो आते हैं जैसा कि सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि 100 नंबर कोई नहीं लेके आता, 100 नंबर कोई नहीं लेके आता, या तो आप याद होगा या तो नहीं होगा. ये उनमें से क्वेश्चंस होते हैं जो कि माइक्रोब के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो माइक्रोब जो होते हैं ऑलमोस्ट 2/3 होते हैं जी. कितने होते हैं? 2/3 ऑफ द अर्थ वेट, 2/3 होते हैं अर्थ वेट के. अर्थ वेट जो होता है अगर हम देखेंगे तो माइक्रोब्स, माइक्रोब में क्या सिर्फ बैक्टीरिया की बात हो रही है क्या? कई लोग इसको सिर्फ बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही, ऑलमोस्ट पता जी इसमें सब आएगा. माइक्रोब में क्या जाएगा? प्रोकैरियोट, फंजाई, प्रोकैरियोट के पास फंजाई, साइनो बैक्टीरिया, उसके बाद कुछ आपके माइक्रोब के बारे में जो प्रोटिस्ट आएंगे वो भी आ जाएगा. ये बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, एल्गी, ठीक है, ये आप पढ़ते रहोगे, ठीक है, ये सारे वायरसेस ऑल्सो. नाउ चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कौन बता रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? द हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज मीजल्स इज कॉज्ड बाय. मीजल्स किससे कॉज किया जाता है जी? मीजल्स किससे कॉज किया जाएगा? मीजल्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, याद करिए, ठीक है. मीजल्स जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस से कॉज किया जाता है. ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, ठीक है. नाउ देखने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज पेनिसिलिन फ्रॉम मोल्ड आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग. किस होगा? कंफ्यूज करने का देखो, ऑड वन आउट अगेन है, सबका नॉर्मल नाम लिखा है लेकिन उस स्टेशनरी को क्या लिख दिया है? इडियोफेज लिख दिया है, ठीक है. सो क्या आंसर हो जाएगा? इडियोफेज जी. होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन देख रहे हो क्या? ऑलमोस्ट इन्हीं चीजों में से घुमा फिरा के आएगा, इन्हीं चीजों को रिकॉल कर लो, लर्न कर लो जी. यहीं पे होता है आपका स्टेशनरी या इडियोफेज, यही आपका स्टेशनरी होता है और ईडीओ होता है जहां पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है. सो चलिए देखने की कोशिश करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, दैट इज डिक टेस्ट इज यूज्ड टू असेस द ससेप्टिबिलिटी टू. ये भी ऑड वन आउट का है. कभी सुना है इस टेस्ट के बारे में? अगर मैं बात करूं, कभी सुना है इस टेस्ट के बारे में? उन्होंने इस फीवर के लिए यूज किया होगा, अदरवाइज अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अदरवाइज अगर आपसे बात करूं, डिप्थीरिया के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं यूज करते. टाइफाइड के लिए यूज करते? नहीं करते. ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते? नहीं करते. जस्ट ऑड वन आउट का केस है. अगर आप इसमें कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो भी लगा सकते हो. ये डिक टेस्ट पहली बार सुन रहे हो या जैसे कि ऑड टेस्ट है, ऑड फीवर होगा, दैट इज व्हाट द कॉमन सेंस क्या लगाएंगे? ऑड वन आउट भी लगाओगे जो बाकी नोन है, दैट इज व्हाट द क्या? स्कारलेट फीवर. चलो आगे चलता हूं मैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियल जीनस दैट कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दैट आर यूटिलाइज्ड बाय द लेग्यूम प्लांट्स आर सिंथेसाइज्ड अमीनो एसिड. लेग्यूम प्लांट में पाया जाएगा. राइजोबियम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राइजोबियम होना चाहिए. कैसे क्वेश्चन आ रहे? गंदे गंदे क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे?
गंदे गंदे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइजोबियम ऐसे क्वेश्चन आते देख रहे हो, बैठे बैठे बन जा रहे क्वेश्चंस, इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ लो एग्जांपल्स, देख रहे हो एग्जांपल जो है बस एग्जांपल से पूछा जा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए मैच ऑफ द फॉलोइंग है, अगेन एंटीबायोटिक का क्वेश्चन है, देखना एंटीबायोटिक आ ही रहा है, वायरसेस के डिजीजेस आ ही रहे हैं, तो कुछ चीजों को पढ़ लोगे तो आपका सॉल्व हो जाने वाला है। टेट्रासाइक्लिन, एम्फोटेरिसिन, फ्लोरोक्विनोल्स, एम्पॉक्स, एमोक्सिलीन जो है, एमोक्सिलीन, एम्फोटेरिसिन, टेट्रासाइक्लिन का काम क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन के बारे में अगर बात करोगे, सो टेट्रासाइक्लिन का काम जो होता है, ठीक है जी, टेट्रासाइक्लिन जो है वो इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस मैच करेगा, इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही जवाब है जी, यानी ये हो सकता है ये भी हो सकता है। अब उसके बाद बात करता हूं आपके एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी के बारे में बात करेंगे, तो एम्फोटेरिसिन बी जो होता है इट्स अ एंटी फंगल, एम्फोटेरिसिन बी एंटी फंगल एजेंट, नाउ एंटी फंगल एजेंट के बारे में बात करेंगे तो ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मोड ऑफ द ट्रांसमिशन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, सो क्या हो जाएगा इस केस में, द व्हेन इट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बॉर्डरटेला पर्ट्यूसिस, डेंगू वायरस, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हेपेटाइटिस बी वायरस, कौन किससे इन ट्रांसमिट होता है। चलो सो ब्लड बॉर्न कौन है, ब्लड बॉर्न कौन है, इसमें से ब्लड बॉन्ड के बारे में बात करता हूं, ए है पर्ट्यूसिस, ब्लड बॉन्ड होता है, ओके ब्लड बॉन्ड हेपेटाइटिस होता है, ऑप्शन बता देते हैं, ब्लड बॉन्ड जो होगा हेपेटाइटिस बी होगा, ठीक है। फूड बॉन्ड कौन होता है, फूड बॉन्ड कौन होता है अगर मैं बात करूं, सो दैट इज द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ये फूड बॉन्ड होता है। दैट उसके बाद वेक्टर बॉन्ड कौन होता है, उसको एक वेक्टर चाहिए जिसको बोलते हैं हम क्या, दैट इज द डेंगू वायरस, एंड बार्डोटेला पर्ट्यूसिस दैट इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, पर्ट्यूसिस है कफिंग जो कहते हैं, वूपिंग कफ का नाम भी बोलते हैं इसको, ठीक है पर्ट्यूसिस इज अ ड्रॉपलेट से ही आ गया जी, बिल्कुल उसी से आ जाएगा, पहला का आर, इट इज वूपिंग कफ भी बोला जाता है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, चलिए क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कौन क्या डिस्कवर किया था, लुईस पाश्चर, टैक्सोनॉमी, एंटनी वॉन लुवेनहॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सो एंटीबायोटिक डिस्कवरी की बात करता हूँ, क्योंकि एंटनी वॉन लुवेनहॉक माइक्रोस्कोपी करते हैं, लुईस पाश्चर ने वैक्सीनेशन के बारे में बात की थी, ठीक है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने एंटी माइक्रोबियल एजेंट के ऊपर बात किया था, एंड कार्ल लिनियस इज रिलेटेड टू द टैक्सोनॉमी, क्लियर है जी, आंसर शुड बी बी, इसीलिए। नाउ चलो अब माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन के ऊपर बता दो, ये वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेवलेंथ कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए बताओ फटाफट। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, एंड हाफ अपर्चर, अपर्चर क्या होना चाहिए, अपर्चर एंगल ज्यादा होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ये अपर्चर एंगल पहला दूसरा सही है, पहला और दूसरा, न्यूमेरिकल अपर्चर कम नहीं होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम नहीं होगा, ठीक है जी, ए शुड बी द राइट आंसर। चलो बढ़िया है। Hey guys.